नमस्कार। तो एमसीसी की वेबसाइट पे मैं बैठा हूँ और हमारे भी क्लाइंट्स हो, बाकी लोग भी ना, कई बार मुझसे कहते हैं सर डीम्ड कैसे फाइनल करें, क्या करें, और मैं उन्हें बड़े प्यार से समझाता था, कई बार समझाया, शायद कल उन्हें समझ में आया। मैंने कहा सर जब तक फीस अपडेट नहीं हो जाएंगी आपको कुछ भी समझने का फायदा नहीं है। अब ये दो एक्सेल शीट रेडी है जो अक्सर मेरे क्लाइंट्स देखते हैं, और ये सिर्फ ये नहीं है, बस ये है कि लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि हम भी बनाएं। एक है कि इस साल का फीस स्ट्रक्चर, और एक उतना ही है कि लास्ट ईयर की कट ऑफ क्या थी तीनों राउंड की, और इनको मिक्स करते हुए हम क्या स्ट्रेटेजी बनाएं अगर हमें सिर्फ डीम्ड लेना है। क्योंकि सच्चाई तो ये है कि प्राइवेट कॉलेज लेने की स्ट्रेटेजी सिर्फ डीम्ड पे नहीं होती, वो तो डीम्ड प्लस जहाँ जहाँ पर इंडिया में ओपन स्टेट्स हैं, और हरियाणा इज ओपन फॉर एवरीबडी, हिमाचल इज, यूपी इज, उत्तराखंड इज, राजस्थान आफ्टर राउंड टू, छत्तीसगढ़ इज ओपन, साउथ के सारे स्टेट्स आर ओपन, तो उसके बाद मिक्स करके बनती है, वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। अभी मैं आपको समझा रहा हूँ डीम्ड का और हमें किन बातों का ख्याल रखना है। तो फिर से वंस अगेन देखिए, हमने बार बार बोला ना कि जब हम काउंसलिंग शेड्यूल देखते हैं, और आपने देखा ना कि अब समय एमसीसी काउंसलिंग स्टार्ट है, और एक ये शेड्यूल आया था, रिमेम्बर स्टेट्स हमेशा हमें एमसीसी काउंसलिंग को फॉलो करते हैं। अब इसलिए दिक्कत क्या होती है, कंफ्यूजन क्या हो जाती है, कभी कभार हम नॉन ऑप्टिमल डिसीजन कैसे ले लेते हैं कि हमने तो भाई डीम्ड जो कि समय राइट नाउ ऑन है हमने उसकी सीट ले ली बिल्कुल, क्योंकि वो तो समय 11 तारीख से स्टार्ट हो चुका है और उसकी तो रिजल्ट भी आ जाएगा 20-22 तारीख को, और स्टेट काउंसलिंग की तो चॉइस फिलिंग तब होगी। हम पेशेंस नहीं रखते हैं और इतने में कभी कभार हम महंगी सीट ले लेते हैं। महंगी मतलब ये देखिए, आप एक इस समय 49 डीम्ड यूनिवर्सिटीज हैं और मैं वेट कर रहा हूँ अमृता फरीदाबाद 50वीं लॉन्च हो। इस साल की फीस के हिसाब से आपको आइडिया लगेगा कि देखिए अगर 25 लाख साल की फीस है, 4.5 साल तक फीस ली जाती है, तो 1 लाख, 1 करोड़ 12 लाख तो फीस फीस हो गई, तो हॉस्टल मिला के रफली 31। डेफिनेटली हमदर्द बहुत सस्ती पड़ती है, या ऑप्टिमल है छोड़े से, या कस्तूरबा के दोनों कैंपस हो गए, या अपना मणिपाल हो गया जो कि फिर भी 17 लाख की रेंज में है और 4 साल की फीस ली जाती है मणिपाल वगैरह में, तो एक रीजनेबल चीज है। लेकिन फिर से रिपीट, इसके अलावा जो अब लास्ट ईयर तक सुमनदीप काफी रीजनेबल थी, इस साल 3 लाख फीस बढ़ गई है, और अब 19 लाख इंटू 4.5 साल के हिसाब से ये भी फीस फीस है वो 90 लाख हो गई, हॉस्टल मिला के 1 CR पार हो गया, राइट। आई एम श्योर ये सब अभी तक आप लिस्ट देख चुके हो। अगर आप हैरान हो रहे हो कि ये इतना सस्ता क्यों है, तो जस्ट टू टेल यू कि ये लास्ट ईयर ही स्टार्ट हुई थी डीम्ड यूनिवर्सिटी, इसलिए इसकी फीस अभी अभी कम रखी हुई है, और रूरल ये लोनी वाला है ये शुरू से ही काफी रीजनेबल रहा है। शायद ये एक कॉलेज है जो कि 80-85 लाख में पड़ जाता है, बाकी जितने भी डीम्ड यूनिवर्सिटीज है वो कम से कम 1 CR तो पार होते ही हैं, और कुछ 1.2 1.3 में भी जाते हैं। हमेशा दो चीजों का ध्यान रखिएगा, देखिए 4 साल लेने वाले तो गिन के 4 ही हैं, सिर्फ हम ही हमदर्द, सॉरी हमदर्द तो बोल के 5 साल ले रहा है, 4 साल लेने वाले सिर्फ मणिपाल के 3 कैंपस हैं जो 4 साल लेते हैं, उसके बाद बाकी सब मोस्टली 4.5 साल हैं, बट कुछ 5 साल की फीस भी लेते हैं जिसमें हमदर्द है, उसके बाद अमृता कोची है जो अपना केरला वाला हो गया, लास्ट ईयर तक गीतम भी 5 लेता था, और उसके बाद आप देखेंगे तो मोस्टली बीच में DY पाटिल पुणे एक्सेप्शन है 5 का, वरना महाराष्ट्र में कोई नहीं लेता 5 की, और उसके बाद पौंडेचेरी के 3 5 की लेते हैं सिर्फ लक्ष्मी नारायण को छोड़ के, उसने वैसी फीस बढ़ा रखी है, एंड देन तमिलनाडु में मोस्ट कुछ 4.5 है कुछ 5 है, तो ये क्लासिफिकेशन है और उसके हिसाब से। लेकिन दूसरा जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि 49 में ना 9 ऐसी हैं जिसमें ईयरली इंक्रीमेंट भी होता है, सब में नहीं होता है, तो ईयरली इंक्रीमेंट वाली नॉर्थ में एकमात्र जो मुलाना है, और जब हम इंक्रीमेंट के साथ कैलकुलेशन करते हैं ना, ये 1 करोड़ 2 लाख आ जाता है। भारत विद्यापीठ पुणे 1.25 पहुंच जाता है, भारत विद्यापीठ सांगली 1.12 पहुंच जाता है। अगर आप यहाँ से देखोगे ना तो आपको लगेगा उतना ज्यादा नहीं जा रहा है, क्योंकि अगर आप इंटू 4.5 करोगे जैसे पुणे हो गया है, अब 21 लाख को आप 4.5 करोगे तो कितना आया 92, उसमें हॉस्टल लगाया तो 1 3 1 5, अब 1 5 के बाद ये 1 32 में कैसे पहुंच जाता है बिकॉज ऑफ दिस इंक्रीमेंट। कहने को सिर्फ 5% होता है, पर ये 5% पिछले साल पे होता है, जो तो इस साल 20 लाख या 22 से स्टार्ट हुआ वो अगले साल 1 लाख, फिर इसके ऊपर और 5%, इसके ऊपर और 5%, तो टोटल फर्क जो आ जाता है
वो 10 लाख का आ जाता है। डीवाई पाटिल पुणे इसी कैलकुलेशन की वजह से 1 करोड़ 60 लाख पे पहुंच जाता है। सिम्बियोसिस जो सुनने में सस्ता लगता है 10 लाख से स्टार्ट होता है, वो भी 63 लाख पे पहुंच जाता है। दत्ता मांगे के दोनों कैंपस 1 करोड़ 20 लाख पे पहुंच जाते हैं, और लोनी जो है वो भी 82 लाख पे आता है। लोनी बड़ा एक्सेप्शनल चीज है, पहले 3 साल फीस सेम, चौथे साल 15% बढ़ती है, पांचवे साल 10% बढ़ती है, लेकिन फिर हाफ लगती है। ये हो गए डीम की फीस जो आप कई जगह देख चुके होंगे ऑलरेडी। ये टेबल है लास्ट ईयर कट ऑफ की, हमेशा राउंड टू की कट ऑफ जो मेरा लास्ट वीडियो भी था 1 से कम होती है। क्लियर, मतलब बहुत कम है आपको एक्सेप्शन मिलेगा, जैसे इसमें बढ़ गई थी, इसमें ही बढ़ गई थी। अदरवाइज एक कॉमन ट्रेंड है 1 से 2 गिरेगी, फॉर द वेरी सिंपल रीजन कि 1 में जैसे मैंने कई बार बोला लोग मजाक पे भर देते हैं प्री एग्जिट होता है। एक नॉर्मल ट्रेंड है कि 1 से 2 घटेगी, लेकिन बढ़ भी जाए तो देखिए मेरी गर्दन मत पकड़िएगा, अक्सर घटती है। अब 2 के बाद 3 में घटनी चाहिए जनरली, क्योंकि तो बहुत सारी सीटें ऐड हो जाती है। आपको पता है कि 2021 में बहुत बड़ा रूल चेंज हुआ, हर यूनिवर्सिटी में 15% NRI सीटें होती हैं, भर्ती तो उतनी है नहीं, इसलिए तो कैंडिडेट इंडिया में नहीं आते हैं। तो सबसे बड़ा जो फर्क पड़ता था वो ये होता था कि 2020 तक ना राउंड 3 तक ये NRI NRI रहती थी, और राउंड 3 के बाद जब राउंड 4 शुरू होता था तो ये NRI सीट बनती थी नॉर्मल सीट में, और वही स्ट्रे मॉप अप राउंड में, इसलिए आपको भर भर के सीट मिलती थी कम नंबरों पे। अब ये राउंड 3 में कन्वर्ट हो गई पिछले साल, इसलिए उसका मतलब क्या हुआ कि देखिए राउंड 1 या 2 में कस्तूरबा की एडमिशन हो चुके हैं, लेकिन राउंड 3 में NRI सीटें थी इसकी बची हुई, क्योंकि तो NRI मैंने बोला अप्लाई नहीं करते, वो जनरल बन गई, तो जिन जनरल लोगों ने अप्लाई कर रखा था उनको वो NRI वाली सीट राउंड 3 में ही अपने आप मिल गई। 2020 तक ये सारा काम राउंड 4 में जो होता था, स्ट्रे मॉपअप जिसको हम बोलते हैं, जो हर यूनिवर्सिटी के कैंपस में होता था, तो लोग वहां पहुंच भी नहीं पाते थे। लास्ट ईयर तो राउंड 4 में ना के बराबर एडमिशन हुए, क्योंकि सारा राउंड 3 में ही हो गया था। फिर भी आप देखोगे कि घटना चाहिए तो आप कहोगे सर सीटें भी बढ़ गई, तो फिर ये बीच बीच बढ़ क्यों रहा है? जैसे कस्तूरबा का मैंने आपको भी एग्जाम्पल दिया था कि तो 558 से 599 पे कैसे आ गया। तो देखिए ये समझाता हूँ मैं आपको, ये बच्चा अगर 599 कट ऑफ गई है, इमेजिन कीजिए कि एडमिशन लिया होगा 601 नंबर से, राइट? अक्सर ये ना 601 नंबर का बच्चा होगा, लेट से दिल्ली का, राजस्थान का, जो राउंड 2 तक कोशिश कर रहा था गवर्नमेंट मिलने की, तो उन्होंने ऑलरेडी कोटा भरा होगा राउंड 1 राउंड 2 में, अपना स्टेट कोटा भरा होगा राउंड 1 राउंड 2 में, और राउंड 2 खत्म हो गया, ऑल इंडिया कोटा से कुछ नहीं मिल रहा, या ऑल इंडिया कोटा से वही बहुत नॉर्थ ईस्ट का कॉलेज मिल रहा है, और अपने स्टेट में एज वी नो दिल्ली हरियाणा राजस्थान बिहार, इनमें अगर आप जनरल कैटेगरी के हो तो 610 नंबर पे भी सरकारी सीट नहीं मिलती है, फिर तो बंदा करता है। और फिर जब कुछ नहीं मिलता तो राउंड 3 में आके आपने डीम्ड का फॉर्म भर के कस्तूरबा मणिपाल की सीट उठाई, तो इस वजह से, या ये देखिए कोलार वाला भी 498 पे पहुंच गया था। तो जहां पर भी आप मेजर इंक्रीमेंट देख रहे हो, भारतीय विद्यापीठ देखिए 300 से होता हुआ सीधा 550, तो कुछ बच्चे थे 560 वाला, कुछ नहीं मिल रहा, अच्छा को मजबूत किया, 1 करोड़ 20 लाख देना खर्च करना आसान नहीं होता, और फिर आपने एंट्री करके भारतीय विद्यापीठ पुणे की सीट उठा ली। तो ये वजह रहती है कि राउंड 3 में कई बार आप देख रहे हैं कि अचानक से कट ऑफ बहुत ज्यादा बढ़ गई। MGM मुंबई 393 पे झूलता हुआ 588 पहुंच गया राउंड 3 में। तो ये सब लोग वो थे 595 वाले, 600 वाले, जरूर राउंड 2 तक स्टेट्स में अपने स्टेट में सरकारी सीट का वेट कर रहे थे, और फिर उन्होंने मॉपअप में आके ये महंगी सीट उठाई। ये 2 वजह हैं कि क्यों कट ऑफ राउंड 1 से 2 तो घटती ही है अक्सर, क्योंकि जब डीम्ड का मॉपअप आता है ना तो हर स्टेट का राउंड 2 खत्म हो चुका है, तो सरकारी सीट जिसने भी कोशिश की थी उसका सपना या पूरा हो चुका होता है या टूट चुका होता है, एंड देन वी टेक अ डिसीजन टू कीप दिस सीट। इसके अलावा देखिए वही सलाह जो मैं हमेशा कहता हूँ, डीम्ड यूनिवर्सिटीज बहुत महंगी पड़ती हैं, अगर आप फीस पे दोबारा जाएंगे, मोस्टली करोड़ के ऊपर हैं, 70-72 लाख के भी ऑप्शंस आपके पास है, पूरे यूपी है, हरियाणा है, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, केरला तो बहुत सस्ता पड़ता है, आंध्रा, तेलंगाना, तमिलनाडु, जहाँ पर आपका 75 में काम हो जाता है, लेकिन हम आलस में 1-1 करोड़ रुपया खर्च कर देते हैं। दूसरी बात, 1 करोड़ रुपया जब खर्च कर रहे हैं तो कभी कभार ना स्टेट के भी बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं, उत्तराखंड के जो 2 कॉलेज है, हिमालयन जॉली ग्रांट, श्री गुरु राम राय, वेरी गुड कॉलेजेस, अगेन बजट ऑफ 1 CR, बट दे आर उत्तराखंड स्टेट प्राइवेट।
या उत्तर प्रदेश में आपको मिल जाएगा तीर्थंकर महावीर महंगे में, उत्तर प्रदेश स्टेट प्राइवेट। या अगर आप वेट कर रहे हैं तो राजस्थान में जैसे आपको जो मैनेजमेंट सीट की फीस होती है तो 120 के बजट में आपको राजस्थान मिल जाएगा, विज़ा विज़ अगर हम तमिलनाडु की ढूंढ पकड़ते हैं। तो ये सब डिसीजन बड़ा सोच समझ के लीजिए। और एक चीज और, राउंड वन ड्यूड में फ्री एग्जिट होता है, जो मर्जी भरिए, बट राउंड टू वही भरिए जो आप सीट लेना चाहते हैं। क्योंकि अगर आपको सीट मिल गई और आप नहीं लेते तो आपके 2 लाख का नुकसान होता है। और मैं फिर से हर वीडियो में बोलता हूँ, मैंने अक्सर लोगों को देखा है कि सर हमारा 6 से 7 लाख रुपए सिक्योरिटी डिपॉजिट खराब हो गए क्योंकि हम ढंग से चॉइस फिलिंग नहीं कर रहे थे या दिमाग से काउंसलिंग नहीं कर रहे थे। बट वही कोई प्रोफेशनल काउंसलर साहब से 70,000 रुपये 1 लाख रुपये फीस मांगता है तो हम नहीं देना चाहते। तो प्रोफेशनल काउंसलर्स को 50,000 लाख 1.5 लाख जो भी आपके केस के हिसाब से फीस बनती है वो फीस दीजिए, और उसके बाद आपके काफी पैसे बच जाते हैं, आपको ऑप्टिमल सीट मिल जाती है। जैसे मैंने कहा था ना, पता चले आप 1 करोड़ 60 लाख की फीस में फंस गए, कभी कभार तो लोग भर देते हैं, कॉलेज में पहुंचते हैं पता चलता है इतना पैकेज बनेगा, इतनी फीस बनेगी, वहां से वापस आ जाते हैं। सोचिए, तो आपने 2 लाख रुपए का डिपॉजिट दे दिया, आपने आने जाने में 1 लाख रुपए खर्च कर दिया। तो ये सब चीजें अवॉइड की जा सकती है अगर हम स्मार्टली काउंसलिंग करेंगे। तो बेस्ट विशेष, बेस्ट ऑफ लक, कल से चॉइस फिलिंग स्टार्ट होगी, इसलिए मैंने वीडियो आज बनाया। और एमसीसी काउंसलिंग, और मैं एक और वीडियो आपको बना चुका हूँ जो मैं आपको बताता हूँ, एक झलक दिखलाता हूँ हमारा जो ऑल इंडिया कोटा में जो अप्लाई करने वाले हैं उनकी जो चॉइस फिलिंग का वो है, सीक्वेंस है, वो हमने बना रखी है। और जो हमारे गवर्नमेंट सीट के क्लाइंट्स होते हैं उनके साथ हम वो शेयर करते हैं। और जो लोग अभी भी हमारे क्लाइंट नहीं बने हैं वो बन सकते हैं, जिनको गवर्नमेंट सीट मिलने वाली है उसकी फीस भी हमारी बहुत रिजनेबल है, काउंसलिंग की 25,000 भी टोटल चार्ज। सो बेस्ट विशेष, बेस्ट ऑफ लक, हमसे जुड़ना चाहे तो कॉल कीजिए 9643362320 पे, यही नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में भी नजर आ जाएगा। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।